हेलो दोस्तों, मैं सुरेश नागर आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने चैनल सुरेश एट भारत में। तो आज हम जाने वाले हैं काकड़खेड़ा, जो भोपाल इछावर रोड पर है। तो पहले हम यहाँ सीहोर से होते हुए यहाँ पर जाते हैं, और मैं ये रास्ता आपको शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए, हम भोपाल से निकल के यहाँ टोल पर पहुँच गए हैं। यहाँ टोल पर जो भी है लगभग 27 रुपीज़ मुझे अपनी कार के लिए देने पड़े। उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर। तो इसी रोड से जब आप सीधे की ओर जाते हो तो यार राइट साइड में जो रास्ता गया है वो सीहोर के लिए है, और जो लेफ़्ट साइड में रास्ता गया है वो आपका इंदौर या इछावर जोड़ या हाईवे के लिए आपका रास्ता गया है। चलिए आगे चलते हैं। भोपाल हाईवे पर जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये क्रिसेंट होटल से हम इछावर के लिए लेफ्ट साइड में टर्न होते हैं। इछावर रोड पर भी काफ़ी सुंदर दृश्य है। इछावर रोड की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको सीधे हाथ पर एक दरगाह दिखाई देगी, जो काफ़ी पेड़ों के बीच में घिरी हुई है। यहाँ एक बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपको यह दरगाह के सामने एक तालाब या बांध दिखाई देगा, जो आप वहाँ जाकर ऊपर देख सकते हैं। पर ये एक और इछावर रोड पर आपको टोल पड़ेगा। उस टोल को हम जैसे ही क्रॉस करते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं तो लगभग हम काकड़खेड़ा पहुँच चुके हैं। अब हम अंदर मंदिर का दर्शन करते हैं। जय माता दी। चलिए, ये देखिए, देख पा रहे हैं आप काकड़खेड़ा वाली नारायणी माता के मंदिर के नाम से ये मंदिर जाना जाता है। ये काफ़ी अद्भुत और बहुत ही पुराना मंदिर है। अब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पहले एक ये छोटा सा मंदिर पीछे की ओर है, जो पुराना मंदिर है, ये एक नया मंदिर आगे की ओर बना दिया है। ये तो अब आप दर्शन करेंगे माँ नारायणी के। जय माता दी। मंदिर से दर्शन करने के जैसे ही आप बाहर निकलते हैं और उनकी परिक्रमा करते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर बाहर जाने का रास्ता है, जहाँ पर नवग्रह हैं। ये जो अभी देखा आपने वो पुराने थे और ये नए अब प्रतिमाओं के रूप में यहाँ पर ये मंदिर के चारों ओर जो जगह पड़ी है। यहाँ सामने की ओर जो आप तीन साइड देख पा रहे हैं, यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था है। जो भी व्यक्ति आता है, यहाँ खुला भी काफ़ी जगह है और भंडारे की भी व्यवस्था है, जो आप आराम से कोई काफ़ी लोग लेकर आता है तो वो यहाँ पर अपना भंडारा आयोजित कर सकता है। उसी मंदिर के और आगे की और हनुमान जी का भी मंदिर है, तो ये हनुमान जी के भी दर्शन कर लीजिए आप। मंदिर के दर्शन हो गए, अब कुछ एक नाश्ता कर ले। तो बाहर की ओर जैसे ही आप दिनाए जाते हैं तो ये जो दिनेश वर्मा की स्टॉल है, इस पर ही सबसे अच्छा नाश्ता मिलता है, तो आप ज़रूर करें।